ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मूड ऑफ मोहल्ला में। और अब बात करेंगे संगम विहार की। यहाँ के हालात भी बदहाल हैं, यहाँ की जनता का मूड भी नेताओं के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद जगी है कि जो वादे उम्मीदवार कर रहे हैं शायद जीत के बाद ये वादे पूरे किए जाएं। बहुत सारी है वाइस एरिया की, पानी की परेशानी है, रोड से गली सही नहीं बनती और काफ़ी सारी परेशानी है यहाँ पर। हम अच्छा नहीं सोचते, सीवर जाम हो जाता है, सीवर की प्रॉब्लम रहती है, ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखते हो आप? आने वाले पार्षद से बीजेपी की यही उम्मीद है कि आने वाले पार्षद से कि पानी वानी ठीक हो जाएगा, अपना रोड और गली अच्छे हो जाएंगी और बाहर मेन रोड पर जाम लगा रहता है काफ़ी सारी, ये बड़ी दिक्कत है, पार्किंग की प्रॉब्लम है बहुत सारी। यहाँ से सीवर की बहुत परेशानी है, पानी की भी परेशानी है, लाइनें से रोड जो है आए दिन सीवर बहते रहते हैं और ना तो कोई डिस्पेंसरी है कोई कि मतलब कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसे पहुँचाया जा सके, बहुत ही परेशान है। आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखते हो? आने वाले पार्षद से यही उम्मीद रखते हैं कि इन कामों से निजात मिले, पानी से, सीवर से और डिस्पेंसरी हो। आने वाले पार्षद से ये है कि जो भी है सबका काम करें, जो भी परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ तो बहुत है अगर देखा जाए। नहीं सफाई नहीं होती इधर से, पानी की मतलब दिक्कत होती है। तो आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखते हो? यहाँ से सफाई हो अच्छे से, मतलब ठीक ठाक सफाई का और पानी की बरसात में पानी इतनी बुरी तरह भर जाता है यहाँ पे, बहुत बुरी तरह, और बरसात से पहले भी यहाँ पे नालियाँ बंद रहती हैं, कोई रास्तों पे ध्यान नहीं देता यहाँ पे गवर्नमेंट, संगम विहार में गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। परेशानी है भैया, यहाँ पे डेंगू मच्छर बहुत फैले हुए हैं, कोई MCD वाला ध्यान नहीं देता है और यहाँ पानी भर जाता है तो भी कोई पार्षद देखने को नहीं आता। रोड का है, पानी का है, नाला का है, सब पे यहाँ परेशानियाँ परेशानी है। आप आए होंगे मेन रोड से तो मेन रोड का क्या बुरा हाल है, पहले ठीक भी था, जब से ये केजरीवाल आया है तब से तो बैसाख में हम लोग इतना हिल के जाते हैं। सड़कें बेकार हैं सारी, रोड वोड सारे बेकार हैं और जैसे बहुत समस्या, जैसे बारिश वारिश होगी तो पानी इकट्ठा हो जाता है, जब सफाई वफाई नहीं होती। सबसे बड़ी परेशानी तो गंदगी है, जहाँ पानी भरा रहता है ना तो पानी की व्यवस्था है, लाइट भी ऐसा ही है, सड़क देख रहे हो आप, गंदगी देखो, पानी भरा भरा है सारा तरफ से, ना सीवर है ना कुछ है यहाँ, तो ये सबसे बड़ी गंभीर व्यवस्था तो ये सफाई नहीं है, ये परेशानी है। नालियाँ साफ नहीं होती है, कूड़ा उठता नहीं है, अब बाकी सारी परेशानी तो आप लोगों के सामने है, देखिए इधर उधर जो भी कूड़ा पड़ा हुआ है, ये कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियों में गंद भरा हुआ है, नाली साफ नहीं होती है। यहाँ पर सारी समस्याएँ संगम विहार में टोटल समस्याएँ, यहाँ पर कोई भी नेता आता चुनाव के टाइम बेवकूफ़ बना के जाता है, ठीक है। आप यहाँ बरसात में आके देखो इतना बुरा हाल होता है, यहाँ नालियाँ साफ़ नहीं होती, रोड नहीं है, लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है और दुनिया भर की गंदगी बड़ी रहती है, गलियों में से कीचड़ निकाल के चले जाते हैं, एक एक हफ्ते कीचड़ निकल के गंदगी निकल के पड़ी रहती है। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी संगम विहार के क्षेत्र में आप G2 ब्लॉक में देख रहे हैं सर, H ब्लॉक के अभी अंदर देख रहे हैं सर, कोई भी साफ़ सफाई का कर्मचारी नहीं आता है सर, गाड़ी वाड़ी भी कोई भी दिखाई नहीं देती है सर, और जो भी है सर यहाँ पर कूड़ा कचरा जो भी देख रहे हैं आप रोड पर, ये कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। मैं बोल रही हूँ पानी की तो बस हो गई सुविधा, ठीक है, रोड चाहिए सब बढ़िया से बनना चाहिए और सफाई से। तो आने वाले पार्षद से क्या क्या उम्मीद करके रखे हुए हैं? यही करके रखे हैं कि इतना हमने सफाई कर दी, रोड सही नहीं है, नाइट ये देखो 15 दिन से लगातार चल रही थी, आज बंद हुई है, नलके नहीं, पानी नहीं आता, रोड नहीं है, नालियाँ जाम रहती हैं, रोड पे पानी भरा रहता है, बच्चों को तकलीफ़ है आने जाने में, रेत इतना उड़ता कि आदमी परेशान है, उसको सांस की बीमारियां हो जा रही रेत से, इतना सड़कें कच्ची है, और संगम विहार तो परेशानियों का घर है। मैं तो 30 साल की मतलब 30 साल हो गए मुझे रहते रहते, मैंने आज तक यहाँ कोई सुविधा नहीं देखी आते हुए। तो अब जो आने वाले पार्षद जो जीत कर गए उससे आपकी क्या उम्मीद है? क्या वो उसका आज तक का शकल नहीं देखी आम आदमी पार्टी वाले की हमने, वो कभी यहाँ से जीतने के बाद आज तक के विजिंग करने नहीं आया आम आदमी का, जो वो दिनेश मोहनी आया उसने जीतने के बाद संगम विहार में लोग बाग अपना जुलूस निकालते हैं, उसने आज तक के अपना जुलूस नहीं निकाला, वो आज तक के गलियों में विजिंग करने नहीं आया, क्या उम्मीद रखेंगे ऐसे आदमियों से जो आदमी देखते नहीं आदमी की तरफ। आ नाली बनना चाहिए, पानी के प्रॉब्लम है, मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गली बनना चाहिए, हम लोग को सबसे पहले तो पहले पानी की परेशानी जो है वही होना चाहिए सही, जो पब्लिक बहुत परेशान होता है, गर्मी आने के टाइम पर तो और परेशान होते हैं, इसीलिए जो रिक्वेस्ट है हम लोग से कि जो अगर
आए हैं हमारे जो भी बन के, तो हमारे विकास होना चाहिए, बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल निकलते हैं उसमें तकलीफ होती है और बच्चे गिर भी जाते हैं वहाँ पे, ऊंचा नीचा हो रखा है, बस गली बननी चाहिए और पानी, बस यहाँ तो टाइम टू टाइम आना चाहिए बस। अब मेन बात परेशानी है, नाली नहीं है, कोई रोड नहीं है, यहाँ जाम की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पानी और जाम की है। तो आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं सर? क्या समझ रहे हैं, पुराने पार्षद ने कुछ नहीं किया आज तक, रोड कोई रोड की सफाई नहीं है, इससे क्या उम्मीद रखेंगे? भजनपुरा वार्ड में भी हम पहुंचे और यहां के लोग भी समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त सुनाने लगे। पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के मुताबिक इस बाबत कई बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत सुनने वाला ही कोई नहीं है। एक बार फिर चुनाव है तो शायद इनकी बात कोई सुन ले कि और यहां पर क्या है जनता का मूड, आप खुद देखिए। हमारे एरिया में थोड़ा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी की टाइमिंग बहुत कम आने की और साफ़ सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर सफाई कर्मचारी सफाई करने आते तो पहले 50 रुपये मांगते हैं, सफाई नहीं करते, सफाई नहीं करते। अगर कूड़ा उठवाना है तो उन्हें 50 रुपये देने पड़ते हैं, नहीं तो वो कूड़ा नहीं उठाते। पार्किंग की क्या? पार्किंग की तो बेहद ही समस्या है, यहाँ पे कोई भी सरकारी पार्किंग नहीं है, सब आप देखो गली में क्या हाल है, यही हाल रहता है गलियों में। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे मच्छर से लेकर, आदमी रात को ऐसे सोता है या दिन में भी 6 बजे के बाद मच्छर इतने हो जाते हैं गंदगी के कारण, कूड़ा नहीं उठता, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं, नालियों को दवाई नहीं, नाली में कोई छिड़काव नहीं होता किसी भी प्रकार का। अब वोट का समय आ चुका है तो नेता आते हैं, अब आप देख रहे होंगे बार बार हर जगह जितने भी हैं, कोई ऑटो में कोई रिक्शा में, मतलब दुनिया भर के बंदे हैं जो प्रचार करते हैं, लेकिन बंदे की समस्या पूछने कोई नहीं आता। पार्किंग की समस्या तो आप देख ही रहे होंगे, आपकी आँखों देखी हाल है, और नालियों का भी एक बार कैमरा घुमाओ आप इधर, ये देख लो आप नालियों का हाल देख लो, यहाँ से मच्छर का हिसाब किताब इतना है कि डेंगू हर साल होता है, हर साल जगह नहीं मिलती सरकारी अस्पतालों में, इतना बुरा हाल रहता है। जब हम अभी से सेफ रहेंगे तो आगे को भी सेफ रहेंगे। इन सब समस्याओं को लेकर कभी पार्षद से आपने बोला है? इन सब समस्याओं को लेकर के पार्षद से बोलते हैं कि भाई इनको मतलब ये करो, उन्हें देखता वोट मांगने के लिए, अब घर घर जाएंगे क्या ये चीज़ इनकी फैसिलिटी नहीं मिलती, हम लोग ही तो चुन करके भेजते, किस लिए कि उसके लिए थोड़ी भेजते हैं कि भाई यार आप जो मतलब लोअर गद्दी पे अपना राज करो। समस्या बहुत है, पानी इतना गंदा आता है, इतना गंदा है पीने लायक नहीं है, बिना आर ओ के कोई पी नहीं सकता, और पानी का कोई सबक कुछ नहीं है। सफाई की क्या व्यवस्था? सफाई की कमी है, 2-4 दिन में आ जाए, नहीं आए नहीं आए, कोई जरूरी नहीं आ जाए। कोई पार्क या जो है बच्चों के लिए? नहीं पार्क कोई है नहीं, बहन का कोई पार्क नहीं है। पार्किंग जिसके मकान में है नहीं तो गली में खड़ी करता है। ये सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में इतना गंदा, जब से आप पार्टी आई है तब से इतना गंदा माहौल हो गया है, जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा रहता है, कोई सफाई नहीं है, इन लोगों के पास जाओ तो कोई सुनवाई नहीं करते हैं, ये लोग कोई सफाई नहीं करते, जब से ये लोग आए हैं तब से तो हर जगह कूड़ा करकट सीवर गलियों में भरे रहते हैं, सीवर के लिए आओ इनके पास कंप्लेंट करते रहो, लेकिन कोई सीवर की सफाई नहीं है, गंदगी पूरी गली में पड़ी रहती है, हर जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, सफाई वाले आते हैं कूड़ा गली नालियों से कूड़ा निकालते हैं तो वो वहीं छोड़ देते हैं, हफ्ते भर तक क्या कहते हैं वो कूड़ा नालियों में ऐसे ही पड़ा, नालियों में पड़ा रहता है गलियों में, जगह जगह गाड़ियां भी आती हैं लेकिन गाड़ियां वो आके चली जाती हैं। बेहतर है जब से ये आम आदमी पार्टी आई है, इन्होंने इतना बेहतर कर दिया है, ये जनता की शोषण करने वाली पार्टी है, और हम लोग अपने कूड़ा हम लोग खुद निकालते हैं नालियों से, खुद कूड़ा उठवाते हैं, और हम लोग अपने आपस में कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, सफाई पर काफ़ी ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे सीवर बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, गंदगी खूब पानी बहता रहता है, कोई सुनवाई नहीं है आम पार्टी की तरफ से, ये एक तो सफाई चाहते हैं, ये जो पानी बहता रहता है उसके लिए सफाई करवाएं। समस्या यह भी है, हमारी गली के बाहर है ना कूड़ा उठाने के लिए डब्बा होना चाहिए जिसमें कूड़ा डाल सके गली वाले, जिससे ताकि ये आसपास फेंक देते हैं इधर उधर, और डब्बा होगा तो कूड़ा उठा के उसमें डब्बे में डाल सकते हैं, बाहर लगा हो तो साफ़ सफाई रहेगी उससे। अब कूड़ा कहाँ फेंकने जाना पड़ता है? कूड़ा की गाड़ी आती है बाई चांस, जिस दिन गाड़ी नहीं आए तो क्या करते हैं पन्नी बांधी और इधर उधर फेंक गया है किसी भी चौराहे पर, गली के बाहर वो जो कूड़ादान होता है वो बड़े वाला रखा जाए तो उसके अंदर डाल देंगे। मोड ऑफ मोहल्ला में आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टोटल न्यूज़।